हेलो एवरी वन होप यू ऑल आर डुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ सी डी पी पेपर 2 फॉर द पी एस टेट जिस आज का हमारा जो टॉपिक है मतलब जिस टॉपिक में से मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट हेरिडिटी वो फीचर्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं ठीक है जी उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं और इन्वायरमेंट जो हम आसपास से सीखते हैं सोसाइटी में रह के और हेरिडिटी को हम क्या बोलते हैं नेचर क्योंकि कई बार वर्ड आ जाता है नेचर आप कंफ्यूज हो जाते हो नेचर का मतलब नेचर मतलब कि आपके पेरेंट्स की जो नेचर है जैसे वो आप में ट्रांसफ़र हुई इसलिए हेरिडिटी को नेचर बोला जाता है और इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है नर्चर ठीक है दोनों में फ़र्क है नेचर एंड नर्चर तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिटर्मिनेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन ह्यूमन बींग्स टू की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है कि मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग है कोई एक बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है दूसरा बच्चा कम इंटेलिजेंट है तो ये जो चीज़ें हैं ह्यूमन बींग्स में वो किस चीज़ से रिलेटेड है डिफरेंसेस इन इन्वायरमेंट कि वो दो बच्चों का इन्वायरमेंट अलग है इसलिए डिफरेंसेस इन हेरिडिटी हेरिडिटी अलग है कि उनके पेरेंट्स अलग है किसी का पेरेंट्स इंटेलिजेंट होंगे इसलिए वो इंटेलिजेंट है ठीक है या इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट देन बोथ हेरिडिटी एंड एन्वायरमेंट इंटरैक्टिंग सेपरेटली सेपरेट तो नहीं होगा ठीक है क्योंकि बच्चे की जो डेवलपमेंट है हेरिडिटी और एन्वायरमेंट दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज़ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एन्वायरमेंट कि हेरिडिटी बच्चे की जो नेचर है जो उसको पेरेंट्स से मिली है प्लस उसका जो इन्वायरमेंट है कि कैसे इन्वायरमेंट में वो रहता है तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वायरमेंट इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स बिच इफ्लुएंस आस ये वर्ड्स किसने बोले ठीक है किसने बोले कि जो इन्वायरमेंट है वो एक बाहर से बाहरली फोर्स है जो हमें इन्फ्लुएंस करती है उस इंसान के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है उसकी डेवलपमेंट में पार्ट लेती है तो ये चीज़ किसने बोली ई जे रॉस ने ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ई जे रॉस ने बोला कि इन्वायरमेंट एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जो हमें इन्फ्लुएंस करता है नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following refers to questions related to child abilities and its proper development? बच्चे की abilities plus उसकी development किन दो चीज़ों से related है सिर्फ heredity, environment या दोनों या कोई भी नहीं तो देखिए both होता है that is heredity plus environment जैसे में वो रहता है उस चीज़ से पता लगता है उसकी development कितनी हो रही है ठीक है Next बट ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स आर रिलेटेड टू हेरिडिटी इनमें से कौन सी चीजें जो हेरिडिटी से रिलेटेड है मीन्स जो आपके पेरेंट्स से आपको मिलती है इनसाइट नहीं किसी चीज़ को देखने का नज़रिया बच्चे का अपना होता है नॉलेज नहीं नॉलेज तो बच्चा खुद गेन करता है लर्न करके हार्डवर्क नहीं जरूरी नहीं होता कि पेरेंट्स कई बार हार्डवर्क हो दूसरा बच्चा नहीं होता ठीक है अपीयरेंस अपीयरेंस क्या होता है कई बार आपने देखा होगा कि कोई फादर है ठीक है और उनका जो बच्चा है दोनों की अपेरेंस मतलब तो देखने में सेम है किसी का नोज सेम है किसी की आइज सेम है तो ये सब चीज़ें हेरिडिटी में आ जाती हैं ठीक है जी अपेरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इज इन्फ्लुंस बाई हेरिडिटी एंड एन्वायरमेंट अब हेरिडिटी एंड एन्वायरमेंट दोनों से मिलकर डेवलपमेंट कौन सी डेवलपमेंट में चेंजेस आते हैं सोशल डेवलपमेंट ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि देखो बच्चा सोसाइटी में रहता है तो वो डेवलप होगा तो वो सोशल डेवलपमेंट बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट भी होगी इमोशनल डेवलप होगा जैसे लोगों के साथ वो रहेगा मेंटल डेवलपमेंट होगी बच्चों की पढ़ने वाले बच्चों के साथ बैठेगा तो भी वो भी पढ़ने लग जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट होगी मतलब सारा कुछ क्या है डेवलपमेंट का ही हिस्सा है तो इसका आंसर क्या है ऑल ऑफ दीज कि डेवलपमेंट कौ, कौन कौन से हिस्से में होती है बच्चे के सोशल डेवलपमेंट इमोशनल मेंटल वेल एज वेल एज फिजिकल नेक्स्ट क्वेश्चन रीटा हैज़ अ गॉट द नो सिमिलर टू हर फादर ये क्यों है रीटा का जो नाक है वो उसके पापा के साथ सेम मैच करता है मतलब वैसे ही नाक है उसका भी तो वो क्या बायोलॉजिकल हेरिडिटी मतलब जो उसके पेरेंट्स से उसको मिली है या सोसाइटल सोसाइटी से थोड़ी मिली है ये चीज़ें ना बिहेवियर से रिलेटेड है ना एजुकेशन से रिलेटेड है ये फादर की एजुकेशन थोड़ी थी कि उसको नोज मिला ऐसा ना फादर का बिहेवियर था ना सोसाइटी से कुछ मिला तो ये बायोलॉजिकल हेरिडिटी है ठीक है जो उसके फादर से उसको मिली है देन इंटेलिजेंट फादर हैज़ ए इंटेलिजेंट चाइल्ड क्यों अगर फादर इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट है तो ये क्यों हुआ नर्चर की वजह से इन्वायरमेंट की वजह से तो नहीं हुआ न्यूट्रिशन नहीं कि पापा ने अगर न्यूट्रिशन ज्यादा लिए तो बच्चे में भी वही न्यूट्रिशन चलेगा ये तो गलत है स्कूल करिकुलम नहीं दोनों के स्कूल्स अलग अलग हो सकते हैं पापा और बच्चे के ठीक है तो हेरिडिटी होता है वो ठीक है हेरिडिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वायरमेंटल फैक्टर इनमें से कौन सी चीज़ है जो इन्वायरमेंट की तरफ से मिलती है इन्वायरमेंटल फैक्टर है ब्लड टाइप ब्लड तो पेरेंट्स से मिलता है कलर ऑफ द आई ये भी हेरिडिटी में आ जाता है पेरेंट्स से मिलता है कुछ डिसीजेज हो गई कई बार बच्चे में ट्रांसफर हो जाती है पेरेंट्स की डिसीजेज बट जो फैमिली है वो तो आप चूज़ नहीं करते वो इन्वायरमेंटल फैक्टर में आ जाता है ठीक है जी तो ये क्वेश्चन को ध्यान से करना नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेटली हैरिडिटी रिलेटेड फैक्टर हैरिडिटी से रिलेटेड कौन सा फैक्टर है इसमें पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे तो आप भी पार्टिसिपेट करो एटीट्यूड टूवर्ड्स पियर ग्रुप सबका एटीट्यूड अपना अपना अलग होता है थिंकिंग पैटर्न कभी भी पेरेंट्स और बच्चों की सेम नहीं हो सकती कलर ऑफ द आई ये हेरिडिटी में आ जाता है ठीक है कि जो आपकी आईज ठीक है जी तो जो आपका आई कलर है आपके पेरेंट्स का आई कलर है दोनों का सिमिलर है तो ये एक तरह से हेरिडिटी से रिलेटेड फैक्टर है नेक्स्ट क्वेश्चन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चाइल्ड इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय कि जो बच्चे की फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है जैसे मुझे कुछ करेक्टरिस्टिक्स अपने मम्मी से मिले अपने पापा से मिले तो वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं डी ऑफ बोथ मदर एंड फादर सिर्फ फादर का डी या मदर का डी या इन्वायरमेंट से नहीं डी ऑफ बोथ द मदर एंड द फादर क्योंकि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है

एंड आई होप टूडेज़ वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ ऑन फॉर गिट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू वेरी मच